हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूँ उसमें मैं आपको निमसेट 2020 को लेके कुछ अपडेट्स बताने वाला हूँ जो कि निमसेट की तरफ से जारी किया गया है। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मेरे मोबाइल ऐप लर्न टेक टू टेक अकेडमी को भी डाउनलोड करना ना भूले प्ले स्टोर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहां पर बता दूं, जो अपडेट्स आए हैं निमसेट की तरफ से वो एमसीए कोर्स के ड्यूरेशन के लिए आया हुआ है कि वो 2 साल का होगा या 3 साल का होगा। और दूसरा जो आया है वो निमसेट 2020 के डेट्स को लेके, ठीक है। तो मैं यहां पर डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे ले चलता हूं और वहीं पर मैं आपको अपडेट दूंगा। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं हम लोग निमसेट के वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया हुआ है और इसको हम यहां पर पढ़ते हैं। तो पहला यह है कि द ड्यूरेशन ऑफ एमसीए प्रोग्राम्स इन द पार्टिसिपेटिंग एनआईटीज इज 3 ईयर्स फॉर द करेंट एडमिशन प्रोसेस। इसका मतलब अब निमसेट ने यह क्लियर कर दिया है कि जो एनआईटीज में एमसीए होंगे वो 3 ईयर का ही होगा करेंट एडमिशन प्रोसेस में। मतलब 2020 में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनके लिए एमसीए 3 साल का होगा। और उसके बाद यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि द निमसेट 2020 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट एप्रोप्रिएट टाइम टेकिंग इन अकाउंट द ईज ऑफ कैंडिडेट्स टू अपीयर इन द एग्जाम। तो यहाँ पर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अभी एग्जाम के डेट आएंगे, ठीक है, और एग्जाम के जब डेट आएंगे तो पूरी जो है आपकी सेफ्टी देखी जाएगी और सारे चीज को कंसिडर करके ही एग्जाम का डेट निकाला जाएगा। द पॉसिबल डेट्स एंड द डिटेल शेड्यूल ऑफ अदर एक्टिविटीज लाइक availability of admit card, reporting schedule of examination, result declaration, choice filling, etc. will be announced in due course of time. इन सभी के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी कि कब एग्जाम होगा, कब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको लगातार वेबसाइट चेक करते रहना है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द वेबसाइट। आप लगातार वेबसाइट चेक करते रहें। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और दिया गया है कि द मैटर ऑफ अलाउिंग द कैंडिडेट्स टू चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर इज अंडर कंसिडरेशन। मतलब आप सेंटर चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये अभी अंडर कंसिडरेशन है, और अगर कुछ अपडेट आएगा तो वो आपको वेबसाइट में बता दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए निमसेट की तरफ से। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि एनआईटीज में इस साल जो एमसीए होगा वो 3 इयर्स का कोर्स होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेरी कर रहे थे कि एमसीए जो है 2 साल का होगा या 3 साल का होगा। तो अब जो है निमसेट ने क्लियर कर दिया है कि अब जो है एमसीए इस साल जो है 3 साल का ही होगा। तो मैं लास्ट में बस यही सजेस्ट करूंगा कि आप निमसेट के वेबसाइट को लगातार चेक करते रहें। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।